गोवा में आरएसएस राज्य इकाई के प्रमुख पद से सुभाष वेलिंगकर को हटाने पर संघ के 400 से ज्यादा स्वयंसेवक ने आरएसएस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आरएसएस छोड़ने वाले इन कार्यकर्ताओं में संघ के जिला, उपजिला और शाखा प्रमुख भी शामिल हैं। पणजी के स्कूल कॉम्प्लेक्स में 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद एक साथ इतने कार्यकर्ताओं ने आरएसएस छोड़ने का फैसला किया। इस बैठक में संघ के 100 से ज्यादा सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर भी यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने वेलिंगकर को हटाने की साजिश रची। इस बैठक के बाद संघ के कोंकण क्षेत्र के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक वेलिंगकर को दोबारा बहाल नहीं किया जाता तब तक वो संघ में काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि संघ ने बुधवार को वेलिंगकर को बीजेपी के खिलाफ काम करने के आरोप में पद से हटा दिया था। वेलिंगकर प्राथमिक स्कूलों में राज्य सरकार की शिक्षण और भाषा नीति की आलोचना करते रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार कोंकणी और मराठी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रही है। वेलिंगकर पर 20 अगस्त को राज्य की यात्रा पर आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को काले झंडे दिखाने का भी आरोप है। एक साथ इतने सारे कार्यकर्ताओं के संगठन छोड़ने के ऐलान के बाद अब मोहन भागवत क्या कदम उठाते हैं ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीवी लाइव।